अनुषा मैम क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर जो वृक्ष लगाया जा रहा है खास करके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए क्या कहना चाहेंगे? मेकर श्रीनगर मेगा फाउंडेशन हमेशा ही झाड़ लगा रहा है ऑल ओवर मुंबई. BMC हैज़ बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग अस इन दिस. बिना BMC के हम कुछ कर नहीं सकते. आज जो हम झाड़ लगा रहे हैं वो BJP और नमो विचार मंच और नमो फाउंडेशन के साथ कर रहे हैं हम लोग. इसमें BMC ने हमको सब हेल्प किया है. एक्चुअली खड्डा लगाने से लेके पेड़ तक BMC हमको हेल्प करता है. हम सिर्फ एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया उस मुकाम को उस मुहिम को आगे ले जाते हैं. कितना भी झाड़ लगाओ कम ही है. तो ये जो हम शुरुआत कर रहे हैं माँ के नाम एक पेड़, तो हर हमारे माँ के नाम अगर हम रोज़ में एक पेड़ सोचें और साल में भी एक लगाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा. एटलीस्ट 50-60 पेड़ हम लगा लेंगे. हर आदमी को ये थॉट लेके चलना चाहिए एंड वी शुड टेक दिस फॉरवर्ड. थैंक यू सो मच. इतना ज़रूरी लग रहा है खास करके जिस तरीके का पर्यावरण में चेंजेस आते जा रहा है तो उसमें ज़रूरत कितनी है वृक्षारोपण करने का? पहले हमारे जो पेरेंट्स होते थे ना वो हवा खाते थे जो नॉर्मल हवा. आज की तारीख में कम फर्क कम है. आज की तारीख में जो हवा सांस लेते हैं वो हवा में पोल्यूशन ज़्यादा और हवा कम होता है. और निस्वार्थ हमको ये ऑक्सीजन देने वाला सिर्फ पेड़ ही होता है. हमारा हाथ हथौड़ा उठाता है पर उसका हमेशा छांव प्रेम का होता है. तो अगर हम एक बीज बोए तो हम उस बीज के साथ एक पेड़ ही नहीं बल्कि हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक सिक्योरिटी करते हैं. जैसे हम सेफ फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, ये हमारा अर्थ इंश्योरेंस है. क्योंकि हमारे पास प्लैनेट ए है लेकिन प्लैनेट बी नहीं है. तो एक ही प्लैनेट में जीना है और उसके साथ प्यार से रहना है. नहीं रहे तो वो प्लैनेट ही नहीं रहेगा. अगर हमारा बेस ही ना हो तो कुछ भी नहीं होगा. तो इंश्योर योर सेल्फ, सी दैट यू हैव अ बेटर टुमारो, प्लांट अ ट्री टुडे. थैंक यू सो मच फॉर BJP, नमो विचार मंच एंड नमो फाउंडेशन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. बिकॉज क्या होता है कि पेड़ शायद प्यार ना हो, माँ तो प्यारी ही होती है. तो ये पेड़ माँ के नाम है एंड आई थिंक इट्स फरहाद आइडिया. फरहाद विजय अरोरा प्लीज. नहीं नहीं थैंक यू सो मच. ये हमारा बहुत टाइम से हम ये करना चाहते थे क्योंकि मुंबई में अक्सर लोग डेवलपमेंट कर लेते हैं पर पेड़ और पौधे लगाना कहीं पे रह जाता है. तो हमने ये एफर्ट खास लगाया और मोदी जी का हाल ही में एक ये स्टेटमेंट था कि एक पेड़ माँ के नाम. और धरती माँ ही तो हमारी सबसे बड़ी माँ है. तो मैं चाहता था कि ऑक्सीजन और ये जो एयर क्वालिटी का भी जो मुद्दा जो बार बार आ रहा है, हम सबको प्रॉब्लम होता है श्वास लेने का. हर किसी के पास तो AC में 24 घंटे तो हम रह नहीं सकते हैं. हमें अल्टीमेटली हमें भी हमारी वेलनेस के लिए ध्यान देना है, हमारे आते पीढ़ी के लिए भी ध्यान देना है. तो मेरा कहना एक ही चीज़ है कि जितने पेड़ हम लगा सकेंगे उतना हमारा ही फायदा है और जितना पेड़ लगाएंगे उतना कम है. हम देखा जाए तो ओरिजिनली हमारी जो एवोल्यूशन जो है वो 2 लाख सालों से अधिक है और पूरा पेड़ों का भरा हुआ वातावरण था. ये तो धीरे धीरे करके पेड़ कम हो गया और हमारी जो जीन्स है जेनेटिक वो उस हिसाब से अडेप्ट नहीं हो पाई है. अब ये अडेप्टेशन जो प्रोसेस जो है उसके लिए थोड़ा बहुत वक्त हमें भी लगता है. हमारी जो एवोल्यूशन जो कुदरती जो चीज़ दी गई है वो थोड़ा वक्त तो लगता ही है पर तब तक हमें अपना हमारा कर्तव्य निभाना ज़रूरी है. एक पेड़ हम सबको पालना ज़रूरी है. जब पेड़ हम पालेंगे तो पेड़ हमें पालेंगे फ्यूचर में. ये ही हमारा एक बहुत अहम सोच है और हम देखना चाहते हैं कि जितना हम पेड़ लगा सकते हैं जितना लगा सकते हैं मैडम के आशीर्वाद से और हमारे सुनील गणाचार्य जी के आशीर्वाद से और सभी हमारे टीम मेंबर्स के साथ में जितना हम बॉम्बे में मुंबई में जितना भी पेड़ हम लगा सकते हैं मैं हम पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे पहले की भी जो पीढ़ी जो है जो अभी वृद्ध है उनके लिए भी बहुत अच्छा है और आती पीढ़ी भी उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है ये. तो थैंक यू वेरी मच आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद. मेगा फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी इस सोच को उन्होंने सपोर्ट किया है BMC के साथ में ताकि हम इस चीज़ को आज अंजाम दे सकें. तो मैं बोलना चाहूँगी मेरी स्टार्ट ऑफ द मेरा करियर जब मेरे मिस इंडिया से मैंने चालू किया था तब हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया गया था कि बोला गया था ये क्वेश्चन है जो आपको इंटरनेशनली ज़रूर पूछा जाएगा तो आप मेक श्योर कीजिए आप इसके बारे में रिसर्च कीजिए.
तो जब मैंने इसके बारे में हमने रिसर्च करना शुरू किया था तो हमें एग्जैक्टली पता चला था कि क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और क्या करने से हम ये ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट एंड द मेजर इफेक्ट्स वॉज टू प्लांट ट्रीज. एंड ये एक तरीका है नेचर को वापस देने का, क्योंकि नेचर हमें इतना कुछ दे रही है. बहुत नोबल कॉज है. आई रियली वॉन्ट टू थैंक BMC, आई वॉन्ट टू थैंक द एंटायर म्यूनिसपालिटी हु इज देयर राइट हियर, जो इतना नोबल कॉज कर रही है. आई ट्रूली अप्रिशिएट दिस. आई एम ऑल्सो अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेक माई अर्थ ग्रीन फाउंडेशन, विच इज़ अ फाउंडेशन विच प्लांट्स ट्रीज ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र. तो हम एक छोटा सा स्टेप लेते हैं टू प्लांट ट्रीज ऑल अक्रॉस. हम एक बीज का जनरेशन करते हैं जहाँ पर उसको स्प्राउट्स निकलते हैं. सो आई थिंक हम आई वो वुडन्ट वॉन्ट टू से बिग थिंग्स हियर, बट हम अपनी तरफ से अगर छोटे छोटे एफर्ट्स लें टू प्लांट ट्रीज इन अ वेरी स्मॉल वे, आई थिंक देन द यूनिवर्स इज जस्ट गोइंग टू गिव बैक टू अस. द नेचर विल ओनली बी थैंक यू नो गिविंग बैक टू अस, एंड वी आर ओनली गोइंग टू बी थैंकफुल टू द नेचर फॉर गिविंग अस द लवली फ्रूट दैट इट इज, एंड वी ऑल शुड डू इट. थैंक यू सर. यहाँ पे देख के बोलिए गया नहीं, ये एक पेड़ माँ के नाम, ये सबसे बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है और बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का और क्लाइमेट चेंज का बहुत ही बुरा असर हो रहा है पूरे जगत में. और ऐसा है कि धरती माँ जो है हमसे इतनी नाराज़ है कि हमने जो है हम यहाँ बहुत चंद दिन के मेहमान हैं, फिर भी हमने यहाँ संभाल के हमने अपने आप को रहा, हम नहीं रहते हैं. आज देखो तो हर जगह रीडेवलपमेंट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं और शहर में एक कॉन्क्रीट जंगल बन रहा है. तो बहुत ही ज़रूरी है पेड़ लगाना. सर्टन पेड़ मैं समझता हूँ कि हर एक सोसाइटी में एक कोटा रहना चाहिए कि कम से कम 10 पेड़, 15 पेड़, 20 पेड़ लगाना ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ से इतना कुछ फ़ायदा है हम सबको और आने वाले जनरेशन को कि इसका हम अंदाज़ नहीं लगा सकते हैं. तो मैं समझता हूँ कि हर किसी को जो है जैसे ही मौका मिले प्लीज़ 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 फॉलो दिस पैटर्न, फॉलो दिस इनिशिएटिव. हर एक जन जो है अपनी माँ के नाम पर कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाए. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. चलो उठा लो भैया. भारतीय जनता पार्टी मुंबई कामगार आघाड़ी की तरफ से और यहाँ की लोकल संस्थाएं हैं उनकी तरफ से आज ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया. आप सभी जानते हैं कि मुंबई शहर के अंदर पिछले कई सालों से पानी का लॉगिंग होना, उसके साथ साथ गर्मी बढ़ना और मुंबई के अंदर जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे पेड़ काटे गए हैं, और उसी के ध्यान में रखते हुए आज हमने इस जुहू एरिया के अंदर ये ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम रखा हुआ है. ये ट्री प्लांटेशन सिर्फ इतना ही प्रोग्राम नहीं, तो पार्टी ने एक नारा भी दिया था, एक पेड़ माँ के नाम. जैसे माँ अपने बच्चों को संवारती है, उसको जन्म देती है और उसका फिर पालन पोषण करती है, वैसे ही ये पेड़ हमारा पालन पोषण करते हैं. एक पेड़ से हम ऑक्सीजन के साथ साथ फ्रूट्स भी हमें मिलते हैं, छाया भी हमें मिलती है और उसके साथ साथ हम पूरे वातावरण के अंदर एक अच्छा वातावरण रख सकते हैं. इसलिए हमने ये प्रोग्राम आज लिया. मेरे साथ ये हमारे सभी साथी हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है. कुछ यहाँ की नगर सेविका रेणु हंसराज जी भी इसमें शामिल हुई थी, साथ साथ यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशंस है, फाउंडेशंस है, उन्होंने भी हमें सहयोग दिया. मैं मुंबई महानगर पालिका भी यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी टीम दी और साथ साथ ये पौधे यहाँ लगाए. मैं यहाँ के नागरिकों को दरख्वास्त करूँगा कि ये जो पेड़ यहाँ लगाए हैं उसकी देखभाल भी करें और इसका नुकसान न हो, इसलिए ध्यान रखें. ऐसी मेरी कामना है.